राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी का हमने अनशन तोड़वाया है, अनशन तोड़वाया है, जो महासंघ की अनेक मांगे हैं उनमें से कुछ मांगों पर फैसला लिया जा चुका है, घोषणा हो चुकी है। जो मुख्य मांग रही है महासंघ की, उसमें भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग, उसके बारे में फैसला हो चुका है, घोषणा कर दी गई है कि जो इस तरीके के नकल में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, साथ साथ तक की सजा भी होगी। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के पद स्थापन के आदेश जारी हो चुके हैं। पीसीजी की जो भर्ती, उसके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। परिचालक भर्ती 2010-2011 के 57 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश दिए गए हैं। कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस और नोडल एजेंसी, इसकी घोषणा हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर समय पर भर्ती करवाए जाने के आदेश भी दिए। ये मांगे प्रमुख मांगे के मांग पत्र में शामिल थी। विशेष मांगे बच्ची उनके बारे में कल और चर्चा होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी बची समस्याएं हैं उन पर भी कल बात होकर सकारात्मक तरीके से उनको समझाया जाएगा। मैं उपेंद्र यादव जी और इनके साथ जो लोग अनशन कर रहे हैं, जिन्होंने अनशन किया है, उन सबको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कृषि परिवार उन पर बहुत ही सहानुभूति रखते हुए विचार करेगी और जो भी संभव हो सकता है अधिक से अधिक कार्रवाई करके जो बेरोजगारों को संतुष्ट करेगी, आपके महासंघ को और आपके साथ जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं सबको संतुष्ट करेंगे। मैं उपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ उन्होंने और उनके सारे साथी, उनके 5 साथी और अभी आमंत्रण पर बैठे हैं, उनका भी हम अभी आमंत्रण करवाएंगे और उन्होंने इस बात को समझा तब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पहल पर इस हफ्ते आमंत्रण को उन्होंने समाप्त किया है।